तो गाइस चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है करके, और इस पर अपना एक नॉनस्टिक पैन रख दिया है, कढ़ाई आप रख ले सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से बादाम, ये 8 से 10 बादाम होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये काजू, ये भी काजू भी 8-10 होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 6-7 पिस्ता के दाने लिए हैं जो मैंने छील लिए थे। और मैंने यहाँ पर लिया है चना दाल। चना दाल बहुत ही पौष्टिक होती है, बहुत ही हेल्दी होती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा पोहा, पोहा मैंने आधी कटोरी लिया है। तो गाइस चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमारी जो कढ़ाई है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर हो गई है, तो हम इसमें डालेंगे चने की दाल और इसको हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये कुरकुरी हो जाएगी और इसको पीसने में भी आसानी होगी। और ये जो सेरेलेक है बहुत ही अच्छा बनता है बच्चों के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए। तो जब बच्चे आपके कुछ बाहर का खाना पसंद नहीं करें तो आप घर पर ये सेरेलेक बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाता है बच्चों के लिए। तो हम इसको फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। तो गाइज़ ये हल्की सी फ्राई हो चुकी है, इसी में मैं ऐड कर दूँगी ये पोहा। कई लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें अलग अलग फ्राई करते हैं, तो आप लोग अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैं एक साथ ही फ्राई कर रही हूँ। तो इनको अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए ताकि इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है ताकि आपकी जो ये चीज़ें हैं वो जल ना जाए। तो गाइस 3 से 4 मिनट इनको मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इनको यहाँ से प्लेट कढ़ाई में से निकाल लेती हूँ। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो बादाम थे। तो गाइस ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं बच्चों को हेल्दी बनाने में, उनको पोषण देने में बहुत हेल्प करते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर ऐड करें, चाहे थोड़ा ऐड करें। तो अगर गर्मियां हैं तो थोड़ी ही ऐड करें, और अगर विंटर है तो आप थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इनको अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद मैं इसमें काजू ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पिस्ता। तो इनको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो गाइज हमारे मैंने ये 2 मिनट तक फ्राई किए हैं ड्राई फ्रूट्स, और अब हम इनको मैंने स्प्लेट में ये अपने चने की दाल और पोहा निकाला था इसी में हम इनको ऐड कर लेंगे। कोई झंझट नहीं है, इजीली ये बन जाता है और बहुत ही सुपर रेसिपी है बच्चों के लिए, और इसे बड़े भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए ही इसको आप बनाएंगे। तो देखिए इसको जब ये ठंडा हो जाएगा हम मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो गाइज़ मैंने मिक्सी जार में ये सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं और अब हम